अच्छा, एक मैच था आईपीएल में जिसमें हार्दिक पांड्या ने कुछ आपसे कहा था, उसके बाद हार्दिक पांड्या को आपने क्या कहा था? कसम खाए हुए आज लोग तुम लोग समझ रहा हूँ मैं। खैर ठीक है, रिएक्शंस आए थे लेकिन मेरे हिसाब से मैंने उसको भी यही बोला था, हालांकि वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, आप मतलब सोच नहीं सकते जैसे वो मुझे इज्जत देता है। वो तो बिल्कुल मानता हूँ, उसको नहीं पता चला, वो हकीकत में उसको नहीं पता चला कि उसने क्या किया है। अब मैं ऐसे देख रहा हूँ, मुझे दूर से तो रिएक्शन से पता चल रहा है, ऐसे नहीं पता चला। अब स्क्रीन पे दिखाया तो मुझे लिपसिंग से पता चला। अब मैं बाहर गया, मैंने इधर आ भाई, मैंने क्या किया तू नहीं, तो क्या था शमी भाई कसम से मुझे नहीं पता चला। मैंने फिर तो बोला भाई आप मेरे उसमें कर लेना चाहिए, मैंने तो फिर फर्क क्या होगा फिर, मतलब हम लोग पब्लिक को एंटरटेन कर रहे हैं कुल मिलाकर, ऐसा है। मैं तुझे एक ही चीज़ बोली मैंने उसको, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे दी गई है तुझे बहुत जिम्मेदारी उस चीज़ पे निभानी पड़ेगी, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, और उसने निभाया। आपने देखा कि वो सीज़न आपने चैंपियन हुए, अगले साल हम फाइनल खेले। अब रिएक्शंस का यार अगर आप दिल पे लेके बैठ जाओ, दिली जानी दुश्मनी निकाल के बैठ जाओ, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि वो स्प्रिट है आपके अंदर। गुस्सा कब आता है आपको? यहाँ भी आपको गुस्सा नहीं है तो गुस्सा कब आता है आपको? यार मुझे पता है ना दिल से नहीं किया आप अगर, हाँ मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जिसको दिल से देखना है मुझे सामने से आके देख लो, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं ओपन हूँ, फिर आप मुझे चैलेंज दो मैं आपको चैलेंज दूंगा। फिर वो कौन सी फिल्म थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? अब एक फिल्म बनेगी, मोहम्मद शमी को गुस्सा क्यों नहीं आता है? यार आता है गुस्सा भाई, आता है यार, ऐसा नहीं है नहीं आता, बोला ना अभी कि आप चोरी चकारी करोगे तो आएगा। अब मुझे दिख रहा है आपको, आप अपने टैलेंट पे अगर जस्ट जो टैलेंट है आप, या तो टैलेंट वेस्ट कर रहे हो आप, या तो आप अपनी एक टैलेंट होता है कि हाँ आप कंट्री के लिए कुछ कर सकते हो, एक टैलेंट होता है कि हाँ आप अपने लिए कर सकते हो, फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, आप किसी और ही ट्रैक पे जा रहे हो तो गुस्सा तो खुद ही आ जाएगा फिर, मतलब बेईमानी, हाँ ऐसा समझो। अच्छा, जैसे कि आप ये खबर सुनते हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली में अनबन है, टीम इंडिया में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो गुस्सा आता है? ये तो मसाले हैं यार। देखो आज क्या ऐसा है, सही बात बता रहा हूँ मैं, आज की दुनिया में अगर ऐसा होता तो यार कहाँ नहीं दिखता, कोई चीज नहीं छुपती आज की डेट, दोनों ऐसे ही नेचर के भी है। सो आज की डेट में मैं मानता हूँ 10% लोग ही अच्छे होंगे जो सोशल मीडिया पर सही कमेंट्स करते होंगे, बाकी तो कुराफातों के लिए हैं, मीम पहले बना के रखते हैं पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मैं यहाँ बोल के कुछ जा रहा हूँ, तुम देख लेना कल जरूर मिलेंगे दो चार मीम। अच्छा ये आपके लिए टाइम पास होता है? कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यार हम बोल किसी और वे में रहे, हम किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हो कभी जातिवाद में ले जाते हो, कभी पॉलिटिक्स में ले जाते हो, कभी क्रिकेट पे ही चल देते हो आप, भाई इतने दुख है तो बंद कर दो ना सोशल मीडिया यार। मैं तो कहता हूँ ब्लॉक करना चाहिए इन सब चीज़ों को, जो फालतू के जो मीम बनाते हैं, जो फालतू के ड्रामा क्रिएट करते हैं, ब्लॉक कर देना चाहिए इनको। अच्छा, जब बुमराह आप सिराज गेंदबाजी करते हो, टीम इंडिया ने टेस्ट मैच भी फिर से जीत लिया है और बुमराह मैन ऑफ द मैच बने, तब आप लोग आपस में क्या बात करते हो? एक 5 विकेट लेके जा रहा है, 4 लेके जा रहा है, 2 लेके जा रहा है, वो स्पिनर्स को कुछ मिल नहीं रहा है अब। यार मैंने अभी बोला था ना कि 2014 से लेके 2024 आ गया, इस 10 साल में जितने भी हम 7-8 फास्ट बॉलर आए हैं उन्होंने यूनिट दिखाई है कैसी यूनिट होती है, उन्होंने ट्रस्ट दिखाया है कैसा ट्रस्ट होता है, उन्होंने परफॉर्म दिखाई है कैसी परफॉर्म होती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि अगर मतलब किसी का अगर ख़राब भी दिन गया हो तो हम लोगों ने एक दूसरे पे कोई उंगली उठाई हो। हमारा सबसे अच्छा क्या होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअल में जब हम बॉल डालने जा रहे होते हैं तो दाएं बाएं साइड का जो फील्डर होता है मिड ऑन मिड ऑफ वाला, वो बात करने वाला चाहिए हमें, तो हम हमेशा टीम मीटिंग में भी यही बोलते हैं भाई एक बॉलर रहना उधर, क्योंकि उसमें क्या होता है जब हम कोई प्लान कर रहे होते हैं, जब बॉल डालने के लिए रेडी होते हैं ना, तो कभी कभी हमारा दिमाग कुछ और ही सोच रहा होता है,
होता ना कि जोश में आज फाड़ डालेंगे हम इनको, समझे आज तो ये बैट्समैन गया, लेकिन वो हकीकत में कुछ उल्टा होता है। तो ये पड़ोस वाला जो फील्डर होता है ना, ये बताता है कि भाई इसमें ऐसा चल रहा है, तो वो बहुत काम करता है उस टाइम पे, क्योंकि फीडबैक बाहर से तो आएगा नहीं। तो आपका प्लेयर आपके साथ अगर बात कर रहा है तो दिमाग में ये रहता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो हो सकता है वो ओपिनियन दे दे आपको कि नहीं अभी ये करना ठीक नहीं है क्योंकि अभी रन निकल गए हैं, तो अभी हमें टाइट डालना है बॉलिंग, या हमें अटैक करना है, कब हमें बाउंसर्स मारने हैं, तो वो प्लानिंग में ईजी हो जाता है एकदम, या रिपीट हो जाता है मीटिंग में हमने इसके खिलाफ ऐसे किया था, तो वो आपका ट्रस्ट जगाती है, वो आपका यूनिट दिखाती है, और उसी से आपको 8-10 सालों में जो चेंजेस आए हैं इंडियन बैटिंग, बैटिंग थी पहले, बैटिंग आज भी है, लेकिन जो बॉलिंग ने चेंजेस लाए हैं वो तो भाई ये तो है। अच्छा 2014 से लेकर 2024 आप ये कह रहे हैं बहुत शानदार, 23-24 आप ये कह रहे हैं कि शानदार यूनिट जो है टीम इंडिया ने शानदार यूनिट की तरह काम किया है, इंडिया एज अ कंट्री उसने कैसे काम किया है, हिंदुस्तान भारत ने कैसा काम किया, ये टीम इंडिया ने कैसा काम किया है? यार आप देखते जाओ ना कि स्पोर्ट्स को मुझे लगता है कि पहले इतना बढ़ावा नहीं मिलता था, जो लास्ट के 10-15 सालों में जो हम लोगों ने अपनी कंट्री में जो चेंजेस देखे हैं, आप मेडल की बात करते थे, कितने हम लोग बातें करते थे, कभी नहीं मिलते थे, आज देख लो ना कहाँ पहुँच गए हम लोग। तो ये चेंजेस दिखाते हैं कि हमने अपने स्पोर्ट्स को कितना बढ़ावा दिया है, हमने कितना अपनी कंट्री में चेंजेस लेकर आए हैं, और कितनी अब तो फैमिली भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है स्पोर्ट्स को लेके, कि अपने बच्चों को भेजते हैं अकेडमीज, पहले तो कहते टाइम ख़राब कर रहा है, मुझे ही खुद कह देते थे भैया बैठे सामने, इनको क्या देते थे अपने परिवार वाले लोग। हाँ मुझे याद है वो कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो नहीं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब ये पलट गया, अब उल्टा हो गया। नहीं ऐसा नहीं है कि यार अकेला स्पोर्ट्स में ही आपकी लाइफ है, लेकिन अगर आप देखो, मैं ही कहता हूँ आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारी फैमिली अपने बच्चे को अपनी मन पसंदीदा डायरेक्शन में पुश करती है, लेकिन बच्चे में कुछ और ही टैलेंट होता है। बहुत सारा टैलेंट इस वजह से भी मारा जाता है हमारे यहाँ कि हम ये सोचते हैं नहीं डॉक्टर है तो अब डॉक्टर ही बनना है तेरे को, अगर स्पोर्ट्स अगर हमारे ब्लड में है ना तो आपको स्पोर्ट्स में ही जाना है। ऐसा नहीं है, आप अपने बच्चे के टैलेंट को तो देखो, आप अपने बच्चे में ये देखो ना कि वो क्या अच्छा करता है, आपको उसी डायरेक्शन में उसको भेजना चाहिए और सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ बस अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो गई हैं फैमिलीज़ कि हाँ क्रिकेट में भी भेजना शुरू किया है, अदर स्पोर्ट्स में भी भेजना शुरू किया है, अब पढ़ने के लिए भी लोग बाहर बाहर भेज रहे हैं लोगों को, तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं ये 10-20 साल में पूरे। तो जो पहले इंडिया था जो घर से गांव से बाहर नहीं जाते थे, आज देख लो ना कहाँ कहाँ दुनिया के हर कोने में जाते हैं अपने भारत से। इसका श्रेय आप किसको देंगे? इज इट द पॉलिटिकल लीडरशिप, इज इट द स्पोर्ट्स लीडरशिप, या ये सबका मिला जुला है? देखो मिला जुला तो है सबका, लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन का फ़र्क आया है, ये एजुकेशन हमारे ब्लड में आई है, इसलिए हम लोगों ने चीज़ों को समझना शुरू किया है, इसलिए हम लोगों ने इतने वेज ढूंढने शुरू किए हैं कि हम इस वे में डाल सकते हैं, इस वे में काम कर सकते हैं, तो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है जो हमारे कल्चर को क्रिएट किया है। तो सपोर्ट तो सारे लोगों ने किया है, पॉलिटिकल भी आप देखो, अब अकेला पॉलिटिकल को ही नहीं बोल सकते क्योंकि भारत की जनता ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। शमी भाई क्या आप कुछ सालों बाद एक नई इनिंग खेलेंगे पॉलिटिक्स में? जरूरत है, वहां भी तो तेज तरार चाहिए ना। नहीं यार अभी कोई प्लान नहीं है, बस अभी एक ही चीज दिमाग में है कि यार 2024 का वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारियां करनी है, अगर देखते हैं अगर आगे क्या होता है, बट मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं। एक पोल करवा देते हैं यहाँ पर, कितने आवाज आ रही ना मेरी पीछे तक, वंडरफुल। क्या मोहम्मद शमी को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? ये तो 50-50 हो गया है। आपकी इजाजत से अमृत,
एक एक रैपिड फायर राउंड जो है वो तैयार किया है और मैं चाहूंगी कि इसमें थोड़ा योगदान। अच्छा बैटिंग भी करते हैं, चौके छक्के बहुत लगाते हैं। हाँ तो इसीलिए तो मैंने तैयार किया ना रैपिड फायर राउंड। तो शुरू है आप, इसमें इसमें आप दौड़ेंगे नहीं, इसमें सीधी गेंद डालेंगे। बेस्ट बॉलर कौन है आपका हिंदुस्तान में अब तक का? अपने से ज्यादा क्यों मानना किसी को? और दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर कौन पसंद है? यार मुझे एक्चुअल में तेजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर आप तेज हो और दाएं बाएं फेंकते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।